नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगी हमने नेमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज करवाई थी आपको। अब आपको करवाएंगे जो NSEIT के भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज है कि नेमी का पेटेंट क्या इससे अलग आएगा। दोस्तों, अलग कुछ नहीं आएगा, काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से वही नेमी से उठ के आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इतना ही चेंज होगा कि कुछ क्वेश्चनों के आपके जो ऑप्शन है ये चेंज हो जाएंगे और थोड़ी बहुत आपका जो क्वेश्चन है उसकी भाषा चेंज हो जाएगी। यानी क्वेश्चन की जगह आंसर आ जाएगा, आंसर की जगह क्वेश्चन, और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आज NSEIT के बुक है उससे रिगार्डिंग आपके ये क्वेश्चन के लिए करेंगे। तो आपका ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें लगभग वैसे 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम 50 ही हल करेंगे, 50 पार्ट टू भी हल करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ITI CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब न करें, क्योंकि आपको भी पता है लगभग 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, हाँ सबसे पहले ये आपकी ITI फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। तो बताओ दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या किसे मापते हैं? तो दोस्तों, ये आपका एंगस्ट्रम मीटर आता है, इसके द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 2। आपके सामने आंसर दे रखा है तो आप आंसर का मिलान भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। तो बताओ, अब दोस्तों परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या माप रहा है, तो पहले परमाणु की त्रिज्या माप रहा था, अब नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या मापने के दोस्तों हम फर्मी मीटर का उपयोग करते। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ क्या है? तो बताओ दोस्तों स्थायी चुंबक के लिए, तो दोस्तों ये आपका एलनिको एलकोनेक्स ये आते हैं आपके स्थायी चुंबक के लिए, बल्कि आपका लोहा ये आते हैं आपकी अस्थायी चुंबक के लिए। यानी नरम लोहे धातु आती है वो आपकी अस्थायी चुंबक के लिए आती है, लेकिन स्थायी चुंबक के लिए आपकी एलनिको एलकोनेक्स ये इस प्रकार के पदार्थ आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से आवर्ती तरंग धैर्य तथा तरंग गति में संबंध होता है। तो बताओ दोस्तों, इन तीनों में जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा वी बराबर एफ और लेमडा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका जो फ्रिक्वेंसी और आपका जो तरंग धैर्य है, यानी तरंग धैर्य किसी लेमडा में मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से साइनाइड बात से जो पर तांबे की परत हो जाती है। तो बता दोस्तों, तांबे की परत क्या हो जाती है? तो वह पतली और चिकनी हो जाती है। करेक्ट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से चांदी सोना बिस्मित जस्ता तथा पारा है। तो बता दोस्तों ये धातु क्या है? तो दोस्तों ये प्रति चुंबक के पदार्थ है, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से संचायक सेल में आशुद्ध जल डालकर सेल की प्लेटों को भली प्रकार का विद्युत अपघटन में डुबोने की क्रिया कहलाती है। तो बता दोस्तों ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो ये टॉपिंग अप क्रिया कहलाएगी। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों वो आपके फैराडे है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पेपर काफ़ी इजी है, निम्नलिखित में से AC स्रोत की आवृत्ति नापने के लिए किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। यानी जो आवृत्ति मापता है उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो आवृत्ति मीटर यानी फ्रिक्वेंसी मीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? दोस्तों वो भी आपकी बढ़ती है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से ट्रिमर तथा पेडल किस प्रकार के संधारित्र है? तो दोस्तों वह समायोजन प्रकार के संधारित्र है। क्वेश्चन 12, निम्न में से निर्वात का परावैद्युतिक नियतांक होता है? तो बता दोस्तों निर्वात का परावैद्युतिक क्या होता है? तो वो 1 होता है, यानी इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है। तो बताओ दोस्तों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है?
तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10^15 मीटर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से डीसी जनरेटर का प्रचालन सिद्धांत है, तो बताओ दोस्तों क्या है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक फैराड कितने ESU के बराबर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, तो बताओ दोस्तों किसके बराबर। तो ये 9×10^11 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, करेक्ट आंसर बी आ रहा है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से यदि धारिता सी मान के दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो दो समांतर में दोस्तों क्या होगी, तो दोस्तों वो 2C हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है दोस्तों आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है देखते हैं। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग AC और DC धारा मापने के लिए आसानी से किया जाता है, तो बता दोस्तों कौन सा। तो आपका चलो है यंत्र होता है जो AC और DC दोनों द्वारा मापन करता है, और चल कुंडली मापा होता है ये ओनली केवल DC का मापन करता है। तो फिर 17 नंबर का करेक्ट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस धारा मापी को वोल्ट मापी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त श्रेणी प्रतिरोध के मान की गणना करने का सूत्र है, तो बता दोस्तों इसके लिए कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी RS बराबर RM माइनस VS बटा VM, करेक्ट आंसर एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामान्य प्रकार के वोल्ट मापी नापता है AC का, तो दोस्तों वह प्रभावी मान मापता है यानी RMS मान मापता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से AC परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है P/V×I×cos∅। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनायन से क्या जुड़ा हुआ होता है, तो बताओ दोस्तों क्या जुड़ा हुआ होता है। तो नोबल धातु प्लेट जुड़ी होती है, करेक्ट आंसर एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से बहुधाराओं के खोजकर्ता थे, तो बताओ दोस्तों। तो बहुधारा की खोज किसने की, तो फूको नामक वैज्ञानिक ने बहुधारा हानि की खोज की थी, और आपका जो फैराडे व विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, और न्यूटन है, तो न्यूटन क्या है, तो ये न्यूटन तो आपका AB बल का मत है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से यदि संधारित्र में परावैद्युतिक नियतांक का अचालक प्रयोग किया जा गया है, वो वायु की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, दोस्तों तो वह K गुना बढ़ जाती है, तो करेक्ट आंसर एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत बल का मान 2.2 वोल्ट होता है, दोस्तों वो आपका लेड AC सेल होता है, यानी आपका द्वितीयक सेल होता है, शुष्क एसिड और वोल्टेज, ये क्या आपके, ये तीनों आपके प्राइमरी सेल है, लेकिन लेड AC सेल आपका द्वितीय सेल है, तो इसका वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट, करेक्ट आंसर एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल की विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, दोस्तों अगर आपकी बैटरी पूर्ण आवेशित है तो उसका विद्युत वाहक बल का अपेक्षित घनत्व होता है, वो होता है 1.25 से लेकर 1.28, यानी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है, तो दोस्तों उनका आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सह प्रेरक तत्व एवं सह प्रेरक तत्व का मात्रक क्या है, दोस्तों वो हेनरी होती है, क्या होती है हेनरी। ओम मीटर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ओम क्या है प्रतिरोध का मात्रक, और साइमन क्या है चालकता का मात्रक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सव उत्तेजित जनित्र का क्षेत्र उत्तेजित किया जाता है, तो बताओ दोस्तों उसका क्षेत्र उत्तेजित किसके किया जाता है, दोस्तों वो अवशिष्ट चुंबक से उत्तेजित किया जाता है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से यदि 3-फेज मोटर का 1 फेज ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, दोस्तों अगर उसका 1 फेज ओपन सर्किट हो जाए दोस्तों तो उसका क्या होगा, तो दोस्तों जैसे 1 फेज ओपन होगा तो मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी परंतु लोड नहीं उठाएगी, करेक्ट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से बैटरी आवेशन कार्य के लिए उपयोगी जनित्र कौन सा है? तो बैटरी को आवेशित यानी उत्सर्जन करने के लिए कौन सा जनित्र काम में आता है? तो दोस्तों वो आपका संट जनित्र आता है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यदि कैपेसिटर मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर क्या होगी? तो इसमें मोटर स्टार्ट नहीं होगी। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से यदि कोई जनित्र विद्युत बल उत्पन्न करने में असफल हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें वर्सेज एमएनए अक्ष में सेट नहीं है, अवशिष्ट चुंबक तो समाप्त हो गया है, गुण दिशा गलत है, उपरोक्त में से कोई भी एक हो सकता है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर है, निम्नलिखित में से विद्युत आर्क भट्ठी का तापमान नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत आर्क भट्ठी का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो आपका पायरोमीटर होता है, तो इसके द्वारा उस तापमान पर धातुओं का मापन किया जाता है, तो भट्ठियों का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर आपका, निम्नलिखित में से प्रारंभ में डीसी मोटर के विरोधी विद्युत बल का मान क्या होता है? तो स्टार्टिंग वो शून्य होता है, तभी उसमें क्या होता है, एक तो स्टार्टिंग में विरोधी विद्युत बल का मान शून्य होता है, दूसरा आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, इसी कारण डीसी मोटर में हमेशा स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से जूल नियतांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों वो आपका 4.183 होता है, तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से डीसी जनित्र में स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सुयोजित किया जाता है? तो दोस्तों स्पार्किंग को कम करने के लिए कम्यूटेटर प्रयोग किए जाते हैं, और कम्यूटेटर को हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सुयोजित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से एक केडुलच बराबर होता है यानी किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है? दोस्तों तो वो आपका 860 कैलोरी होता है, तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है, निम्नलिखित में से डीसी मोटर के वैद्युतिक दक्षता होती है यानी इसके लिए कौन सा सूत्र सही है? तो इसका एक नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, और क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोर के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है? तो कोर के आधार बताओ दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ये आपका मेन्स कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर नहीं है, कोर के आधार पर सेल बेरी क्रोड प्रकार के, सेल प्रकार के, बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, मेंस प्रकार के ट्रांसफार्मर नहीं होते, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, निम्न में से अल्टरनेटर की आवृत्ति का गणना सूत्र क्या होता है? दोस्तों एफ बराबर क्या होता है? पी अपॉन एन बटा 120 राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से भारत में मान्य फेज क्रम क्या है? तो ये सभी को मालूम है, आर वाई बी यानी रेड येलो और ब्लू, इसका फेज क्रम होता है भारत में फेज क्रम। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से सामान्य एक्साइटर को स्थापित किया जाता है? तो वो हमेशा रोटर शंट पर स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर की क्रोड पंक्तियों में मिलाकर बनाई जाती है, जिससे क्या होता है? दोस्तों जिससे क्या होता है, उसकी बहुत द्वारा शक्ति का मान निम्न रहे, इस कारण उसको पत्तियों को मिलाकर फिर बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत प्रेस में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, तो ऊष्मा उत्पन्न का नियंत्रण करना यानी प्रेस को जो ऑन ऑफ है, ऑन ऑफ करने वाली युक्ति यानी उस तापमान पर ऑफ और निम्न तापमान पर ऑन हो जाती है, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी थ्री फेज मोटर में स्लिप रिंग एवं वर्सेज का प्रयोग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, तो एसी मोटर में यही मोटर है जहाँ पर कार्बन ब्रश, आपकी जो थ्री फेज मोटर वहाँ पर स्लिप रिंग के साथ ब्रश काम में लिया, तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपके 47 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से बड़े जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले ब्रशेज होते हैं? तो वो तांबे के होते हैं, और वैसे होते हैं जो कार्बन तथा ग्रेफाइट, सॉरी तांबा तथा ग्रेफाइट की मशीनरी बने होते हैं, ना कार्बन और तांबे से। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से रनिंग अवस्था में मोटर की धारा स्टार्टिंग की तुलना में क्या होती है? दोस्तों वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से श्री जनित्र
प्रयोग किया जाता है। तो सीरीज जनरेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर एक नंबर। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 49। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन आपका, लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, और 50 से आगे क्वेश्चन दोस्तों आपके 50 रुपये जो कल करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंक्रोनस मोटर के प्रचालन के लिए आवश्यक सप्लाई कौन सी होती है, तो उसके प्रचालन के लिए दोस्तों हमें DC तथा 3 फेज AC की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।